नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रोड सीरीज से हम करने वाले हैं आज पाठ संख्या 5। और पाठ संख्या 5 का शीर्षक है भविष्य की ऊर्जा। यहाँ पर हमें दी हुई है बच्चों चित्र पर आधारित गतिविधि, और इस गतिविधि को आप करेंगे। सूर्य की रोशनी ही सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मतलब सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य की रोशनी से। इस दृष्टि से भारत भाग्यशाली है, यहाँ वर्ष के औसतन 300 दिन सूर्य की रोशनी में नहाते हैं, मतलब 365 दिन होते हैं साल के बच्चों, उसमें से औसतन एवरेज 300 दिन सूरज की रोशनी रहती ही है। इस पैमाने पर भारत विश्व के ध्रुवीय देशों तथा अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। सूरज की रोशनी सहेज कर रातों को दिन सा बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, बिजली बचाएंगे, हम भी देश के काम आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। पूर्व काल में मनुष्य सभी कार्य अपनी सामर्थ्य और समझ से किया करते थे, जैसी उनकी शक्ति थी या जैसा उन्हें समझ आता था उस तरह से वो अपने सारे काम करते थे। उनकी शक्ति व ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य था, लेकिन आधुनिक युग में ऊर्जा के नए नए स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। यदि इन स्रोतों का उपयोग मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना करें तो मानव विकास सार्थक होगा। इन स्रोतों के प्रयोग से मनुष्य को नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी वह प्रयोग सार्थक होगा, मतलब उसका उपयोग करना सही होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला यह पाठ हमें प्रकृति और देश दोनों की सेवा करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। प्राचीन समय में मनुष्य अपने सभी काम अपनी शारीरिक क्षमता से ही करता था, मतलब शारीरिक रूप से मनुष्य बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। उस समय यही शक्ति उसकी ऊर्जा कहलाती थी। पहिए के आविष्कार से उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। तब उसने बैल और घोड़े की शक्ति का उपयोग कर बैलगाड़ी बनाई और घोड़ा गाड़ी बनाई। यह उसके लिए चमत्कार से कम ना था। इसके बाद वह ऊर्जा के नए नए स्रोतों की तलाश में जी जान से जुट गया। बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी रहा है। इस सफर को लक्ष्य तक पहुंचाने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाहनों को चलाने के लिए ईंधन व ऊर्जा का प्रयोग एक क्रांतिकारी बदलाव था। आज विश्व के सभी देश अपनी प्रगति के लिए ऊर्जा के सभी स्रोतों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यह सर्वविदित है, मतलब ये सबको मालूम है कि पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत रहे हैं। ईंधन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या रहा है? जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन कई वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दबे जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है। जो जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं उनके सड़ने गलने से क्या बनाया जाता था? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधनों में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और बायोगैस शामिल है। विश्व स्तर पर भी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जाता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और रूस जैसे देश जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने में अग्रणी हैं, मतलब सबसे आगे हैं। इसका उपयोग खाना बनाने, वाहन चलाने और बिजली बनाने जैसे कामों में किया जाता है। एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। यह चिंतनीय है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हुई है।
ये हानिकारक गैसें हैं हमारे सांस लेने के लिए, हमारे पर्यावरण में जीवित रहने के लिए, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का संकट पैदा हो रहा है। विश्व के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि इन गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कमी करनी चाहिए। इनकी कमी से ही पर्यावरण अच्छा होगा। इसके समाधान के लिए ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तनकारी कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है। विगत कई वर्षों से नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जैव ईंधन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूपातीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल हैं। आज विद्युत उत्पादन उपभोग की तुलना में बहुत कम हो रहा है, मतलब जितना बिजली उत्पादित हो रही है, जितनी बिजली बनाई जा रही है वह बहुत कम है जितनी की बिजली की खपत है उसके मुकाबले में। हम बिजली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लेकिन उतना उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। अतः मांग और उत्पादन के बीच की इस कमी को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा, मतलब सोलर एनर्जी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा धरती पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का सहारा है। सौर ऊर्जा को मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है। इससे घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गर्म पानी की आपूर्ति कर पाना भी व्यावसायिक स्तर पर संभव हो चुका है। छत पर लगने वाले सोलर पैनल का उपयोग अब औद्योगिक इकाइयों, आवासीय घरों, अस्पतालों और होटलों में अधिक किया जा रहा है। सोलर ऊर्जा का उपयोग करके सौर पाचक, मतलब सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर मोबाइल चार्जर और सोलर जल पंप बनाने में किया जा रहा है। सर्दी और गर्मी के मौसम में आरामदायक जीवन के लिए ऐसे भवनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रणालियों का उपयोग किया जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर मोबाइल चार्जर और सोलर जल पंप। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा उपलब्ध है। विगत कई वर्षों से भारत सौर ऊर्जा के अनुसंधान में लगा हुआ है। यह भारत की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन दो माध्यमों से किया जा रहा है। ये माध्यम सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक हैं। कौन कौन से माध्यम हैं? सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक। सौर तापीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा को सौर संग्राहकों और रिसीवरों के माध्यम से ताप ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, उद्योगों में ताप उत्पन्न करने, भाप बनाने और अन्य कार्यों में किया जा सकता है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इससे गांवों, अस्पतालों, पंपिंग केंद्रों, दूरसंचार केंद्रों आदि में विद्युत आपूर्ति की जा सकती है, मतलब वहां बिजली पहुंचाई जा सकती है। 2013 में गुजरात राज्य में नहर के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, जो विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र था। इस संयंत्र से नहर के 750 मीटर भाग को सौर पैनल से ढक दिया गया है, जिनसे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही नहर से वाष्प बनकर उड़ने वाली जल की मात्रा में भी लगभग 90% की कमी आने की संभावना बताई गई है। 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हमारे देश के लिए ही नहीं, समस्त एशिया के लिए भी एक मिसाल है। हमारे देश में सौर ऊर्जा से 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत गुजरात सरकार ने 2022 तक
8.024 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। कितना रखा था बच्चों? 8.024 गीगावाट। गुजरात सोलर पार्क एक, जिसे चरण का सोलर पार्क भी कहा जाता है, पाटन जिले में चरंका गांव के पास सौर ऊर्जा संयंत्र में है। राजस्थान में संसार के बड़े सौर वाष्प तंत्र का विकास किया गया है, जिससे 10,000 लोगों का भोजन बनाया जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के मंझड़िया गांव में एक संकर बिजली तंत्र का सौर ताप संयंत्र स्थापित किया गया। भारत एशिया का एकमात्र देश है जहां सौर तालाब का निर्माण किया गया है। देश का पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क राजस्थान के सूखे और रेतीले क्षेत्र भादला में स्थित है। यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बन रहा है। सौर ऊर्जा के विकास हेतु दिल्ली के नज़दीक ग्वाल पहाड़ी में भी एक केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में देश के सबसे पहले सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आइरिना के सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। आज भी देश के कुछ हिस्से बिजली से वंचित हैं, मतलब बच्चों वहाँ बिजली नहीं है। सूर्य की इस अक्षय ऊर्जा द्वारा बिजली इन हिस्सों तक पहुँचाई जा सकती है। बिजली के विकास के लिए एक बड़ी ज़रूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए तो इससे देश की सकल घरेलू उत्पाद की दर बढ़ेगी और आगामी 3 साल में सौर ऊर्जा का उत्पादन 20,000 मेगावाट हो जाएगा। देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुनी बढ़ने की संभावना है। आगे चलते हैं बच्चों। निसंदेह ऊर्जा की दीर्घकालीन पूर्ति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए हमारे देश में भी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत अपनी ज़रूरत का 50% वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। इसके लिए कार्बन की कम मात्रा में उत्सर्जन करने वाले ईंधनों के राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के साथ साथ सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी करनी होगी। निस्संदेह सौर ऊर्जा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत सिद्ध होने वाली है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ हमें दिए हुए हैं कठिन शब्द। अब आपको सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में पता है और उससे कितना ज़रूरी बिजली का उत्पादन होता है यह भी पता है। अब हम इस पाठ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो यहाँ हमें दिए हुए हैं बच्चों कठिन शब्द। प्राचीन, मनुष्य, शारीरिक, क्षमता, ऊर्जा, आविष्कार, शक्ति, स्रोत, चुनौतीपूर्ण, रोमांचकारी, नवीकरणीय, औद्योगिक प्रणाली, अनुसंधान, फोटोवोल्टेक संयंत्र, सर्वेक्षण, दीर्घकालीन, सिद्ध और सर्वविदित। आगे चलते हैं बच्चों। शब्द अर्थ हैं हमारे पास जिन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे भी। आविष्कार का अर्थ है खोज, वैकल्पिक, ऐच्छिक, चुनौतीपूर्ण, कठिन। फोटोवोल्टिक का अर्थ है बच्चों
धूप को विद्युत में बदलने वाली तकनीक, सर्वविदित जो सबको मालूम हो, उपभोग वस्तुओं का उपयोग, जीवाश्म मृत जीवों के अवशेष, अग्रणी आगे चलने वाला, आधारशिला नींव का पत्थर, विगत बीता हुआ, विशेषज्ञ विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, नवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, अक्षय जो नष्ट ना हो। चलिए आगे चलें। अब आ गया है हमारा अभ्यास कार्य, बताओ क्या पढ़ा। विद्वानों ने विकास के लिए बिजली को जरूरी क्यों माना है? विद्वानों ने विकास के लिए बिजली को बहुत ज़रूरी माना है क्योंकि मानव के जीवन में बिजली के महत्व से हम भली भांति परिचित हैं। औद्योगिक विकास हो, कंप्यूटर जगत हो, अंतरिक्ष मिशन हो, आदि अनेकों महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में बिजली का योगदान है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आज के आधुनिक युग में सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता उसी प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बच्चों जगह जगह सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, भवनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रणालियों का प्रयोग किया जा सके। और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह सोलर पैनल, सोलर मोबाइल चार्जर, सोलर पंप, इन सब का भी प्रयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के अलावा कुछ अन्य प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत भी हैं, उनके बारे में लिखें। चलिए बच्चों आप बताइए कौन कौन से हैं। जी, जैव ईंधन, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूपातीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बच्चों यहाँ हमें दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। मनुष्य ने बैल और घोड़े का उपयोग कर बनाई बैल गाड़ी। जीवाश्म ईंधन में शामिल हैं क्या क्या शामिल है? कोयला भी है, प्राकृतिक गैस, तेल, बायोगैस, ये सभी शामिल होती हैं। भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन कितने माध्यमों से किया जा रहा है? दो माध्यमों से। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर ओंकारेश्वर बांध है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। डैश राज्य में नहर के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, गुजरात राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ओंकारेश्वर बांध पर है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान राज्य में है। देश का पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में बना हुआ है। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। पेट्रोल और डीजल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है? नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा से प्रदूषण अधिक होता है? नहीं, उससे तो प्रदूषण कम होता है। बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है? सही। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के नीचे दबे जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, उचित मिलान करो। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। जीवाश्म का अर्थ मृत जीवों के अवशेष, और जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है खाना बनाने, वाहन चलाने आदि के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इनके उत्तर। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है? चलिए अब हम समझते हैं
कि इस ऊर्जा द्वारा क्या होता है और ये कैसे बनती है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है। पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत रहे हैं। कई वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दबे हुए जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और बायोगैस आदि शामिल है। भारत ही नहीं अपितु बाहर के देश भी इसके निर्माण में अग्रणी हैं, जैसे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस आदि। ठीक है, ये सब इस ईंधन का उपयोग करने में अग्रणी है। इसका उपयोग खाना बनाने, वाहन चलाने और बिजली बनाने में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का यदि एक बार उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और बायोगैस आदि शामिल हैं। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? सौर ऊर्जा बच्चों सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी पर आती है। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, पानी का तापमान बढ़ाने, खाना पकाने व अन्य बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका अर्थ है कि यह समाप्त नहीं होती है। जिस तरह जीवाश्म ईंधन ऊर्जा होती है जिसका एक बार उपयोग कर लिया जाए फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यह इस ऊर्जा का उपयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा का नाम क्यों दिया जा रहा है? यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत अपनी ऊर्जा की जितनी भी ज़रूरत है उसका 50% वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। इसके लिए कार्बन की कम मात्रा में उत्सर्जन करने वाले ईंधनों के राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के साथ साथ सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी की जाएगी। तो निश्चय ही ऊर्जा, सौर ऊर्जा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत सिद्ध होने वाली है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ सौर ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार गृह कार्य में पुनः पाठन करेंगे और इन अभ्यास कार्यों को दोबारा से दोहराएंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।